देवास जिले के हाटपिपलिया विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक मनोज चौधरी खातेगांव नेमावर पहुंचे, जहां उनके समर्थक सुभाष जायसवाल द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। खातेगांव के सिंधिया समर्थक सुभाष जायसवाल और अजय विश्नोई ने खातेगांव में भव्य स्वागत किया। हाटपिपलिया विधानसभा उपचुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी मनोज चौधरी की जीत के लिए सुभाष जायसवाल ने मां नर्मदा से प्रार्थना की थी कि यदि चौधरी की विजय होती है तो वह नेमावर में भंडारा करेंगे। रविवार को नेमावर के नर्मदा तट पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा विधायक मनोज चौधरी शामिल हुए और नेमावर पहुंचे। उन्होंने मां नर्मदा में स्नान कर सिद्धेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की और सुख शांति अमन चैन और भाईचारे की कामना की। खातेगांव सादिक खान की रिपोर्ट। भाई अजय जी बिल्कुल, सुभाष जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी मंडल खातेगांव तीनों के द्वारा और इलाहाबाद जनता के द्वारा जोरदार तालियों के साथ उनका विधायक निश्चित ही पहले भारतीय जनता पार्टी के देवास जिले में तीन विधायक थे, अब हम चार हो गए और एक और बचा है। वहां भी कमर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का खिलेगा, ये विश्वास के साथ में कह सकते हैं। मनोज भैया का महसूस हो रहा आपको? बिल्कुल, उन्होंने जो मेहनत की थी और वाकई में उस मेहनत का ही ये परिणाम रहा है कि वो जीत हासिल हुई है। उनके साथ साथ पूरी टीम भी जो लगी थी और आज भी जितना आत्मीय अभिनंदन यहाँ जितना आत्मीय स्वागत किया गया है, मैं बहुत अभिभूत हूँ और बिल्कुल ऋण हूँ इस बात का। निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि ये ऋण कैसे चुका पाएंगे, छोटे भाई के रूप में सदैव सेवा करते रहेंगे, ये है मेरा इनको विश्वास। मैं जो सारथी की भूमिका आपने निभाई थी, उस समय कैसा महसूस हो रहा था? देखिए, मनोज चौधरी जी का मैं सारथी नहीं हूँ, मैं उनका भाई हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर लड़ा और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में इतनी ताकत है जो मनोज चौधरी की चुनौती को हजारों वोटों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तब्दील करता है। निश्चित ही मनोज जी युवा अवस्था से, विद्यार्थी जीवन से खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे जिले में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।